हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल CNC कैड कैम अंजन कुमार। आज हम मास्टर कैम X5 में एक हमारा मॉडल है, इसमें हम देखेंगे टी स्लॉट कटर करके, टी स्लॉट का ऑपरेशन देखेंगे कैसे करना है इसमें टी स्लॉट कटर, और इसका प्रोसेस क्या है वो आज देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा मॉडल है, इसका हम जो टी स्लॉट का विड्थ और इसका डेप्थ चेक करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में रखेंगे, इसका यहाँ से क्रिएट में जाके ड्राफ्टिंग डायमेंशन हॉरिजॉन्टल, इसमें हम उसका ये कॉर्नर से ये जो अंदर का डिस्टेंस चेक करेंगे। ये 5 mm है, ओके, ये हमारा 5 mm है, और ये था हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में देखेंगे वर्टिकल में कितना है। ओके, सेम क्रिएट ड्राफ्टिंग डायमेंशन वर्टिकल, वर्टिकल में यहाँ से यहाँ कितना है 10 mm है। ओके, 10 mm थिकनेस है और हमारा अंदर जो जाएगा वो 5 mm है। इसका हिसाब से हम टी स्लॉट कटर ले लेंगे, और ये भी हमारे को ज़रूरत है, इसको इसको कितना है यहाँ से ये पॉइंट, ये भी हमारा 5 mm है। ओके, ऊपर से हमारा स्टॉक छोड़ेगा, ऊपर से ये डिस्टेंस 5 mm और अंदर जाएगा 5 mm, और यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा कितना 10 mm। ओके, हम वो हिसाब से हम एक टी स्लॉट कटर, इसका कैलकुलेशन में हम टी स्लॉट कटर लेना पड़ता है। ओके, इसको हम डिलीट कर देंगे, 5 5 10 5 mm डेप्थ जाएगा अंदर। एक ग्राफिंग करेंगे, एक फिनिशिंग करेंगे, करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व क्रिएट करेंगे। ये हमारा अभी इधर से कुछ तो कर्व नहीं है ना, इसके लिए कर्व क्रिएट करना पड़ता है। कर्व क्रिएट करने के लिए हम पहले ये अभी ग्रीन है, तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, तो इसको हम कलर चेंज करेंगे, कलर का सिलेक्ट करेंगे, हम ले लेंगे रेड। ओके, और अभी कर्व क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, कर्व यहाँ पे ऑन एज है, और यहाँ पे कर्व ऑल एज है, हम कर्व ऑल एज ले लेंगे। कर्व ऑल एज ले लेके ये यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, राइट मार्क सॉलिड के ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फेस, एक सॉलिड है एक फेस है, ये सॉलिड को हम दो सिलेक्ट करके है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी है सिलेक्ट बॉडी, और ये सिलेक्ट फेस, इसको हम जो सिलेक्ट बॉडी है इसको हम इसके ऊपर टिक करेंगे, तो ये हमारा डी सिलेक्ट हो गया। हमारा क्या चाहिए, सरफेस चाहिए, सिलेक्ट सरफेस, हम सिलेक्ट कर यहाँ पे ये टिक रहे ना, हमारे को ये सिलेक्ट करे तो यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहे, इसको हम अभी सिलेक्ट करे तो दोनों ब्लू कलर दिख रहे, लेकिन हमारे को ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर और एक बार क्लिक करे तो डी सिलेक्ट हो गया। ओके, ये डी सिलेक्ट हो गया, हम जाएंगे फेस सिलेक्ट करेंगे। अभी फेस सिलेक्ट फेस है, अभी ये फेस को हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे एंड सिलेक्शन। ओके, इंटर भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से, नहीं तो यहाँ से एंड सिलेक्शन करेंगे। एंड सिलेक्शन करने के बाद ये हमारा सिलेक्शन आ गया। ओके, यहाँ से ओके, अभी ये देखो तो ऐसे देखे तो रेड कलर में यहाँ पे कर्व आया, ऐसा देखो ऐसे कर्व आ गया वर्टेक्स। ओके, और ये जो ये फ्रंट में जो कर्व है इसको हम डिलीट कर देंगे वर्टेक्स, इसको हम डिलीट करेंगे, सिलेक्ट कीबोर्ड से डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, और ये बाकी बच गया हमारा ये साइड कर्व बच गया। साइड कर्व के बाद ये जो है हमारा ये जो फेस है, ये जो कर्व है ये फेस का बराबर में है, तो हमारे को टी स्लॉट कटर डाया कितना लेना पड़ता, सपोज हमारा 5 mm अंदर जाएगा तो उसका सैंक मिनिमम कितना होना, सपोज एक स्ट्रांग टी स्लॉट कटर के लिए एक 10 mm का सैंकड़ाया बना, 10 mm और पर साइड 5 mm 5 mm कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, तो हमारा क्लियरेंस भी चाहिए, और क्लियरेंस भी कुछ 1 mm ऐसा चाहिए, तो हमारा कितना हो गया 22। हम कितना ले लेंगे, 25 का एक टी स्लॉट कटर ले लेंगे। ओके, 25 का टी स्लॉट कटर लेने के लिए यहाँ पे हम चलाना है 25 टी स्लॉट कटर, तो इसके लिए कितना बाहर करना, बाहर हमारे को निकलना पड़ता मिनिमम 25 का हाफ 12
12.5 है, 12.5 है तो हम थोड़ा और ज़्यादा ले लेंगे और 2 mm 2.5 एक्स्ट्रा ले लेंगे, 15 mm हम बाहर निकालना पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पे कर्व को हम 15 mm बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम ट्रिम में जाएंगे, ट्रिम में जाके यहाँ पे एक्सटेंड एक्सटेंड लेंथ है ना, इसके ऊपर टिक करेंगे, अभी ब्लू कलर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे दे देंगे हम 15 एंटर। ओके, ये जो कर्व दिख रहे हैं इसके ऊपर जाके हम रेड कलर का कर्व है इसका ऊपर क्लिक करेंगे, अभी 15 mm बाहर आ गया और सेम ए साइड भी 15 mm बाहर, 15 mm बाहर हो गया यहाँ से। ओके ओके, ये हमारा कर्व बन के तैयार हो गया। अभी क्या करेंगे हम टूल पथ, हाँ इसका 1080 कहाँ पे वो भी देखना पड़ता, अभी F9 हम यहाँ पे F9 दबाएंगे। एक्चुअली हमारा 1080 यहाँ पे, लेकिन हमारे को ऐसे लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करेंगे ये फेस में करेंगे 1080। अभी ऑलरेडी टॉप में 0 है तो हम यहाँ पे 0 है तो हम ये फेस में 0 करेंगे। फेस में 0 करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें कहाँ पर जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे, डायनेमिक में जाएंगे। डायनेमिक की जाने के बाद ये जो ये फेस दिख रहे हैं फेस के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ओके, फेस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा ओके ऐसा नहीं है, एक टॉप व्यू फ्रंट व्यू में रखेंगे, फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे एनालिज में जाएंगे, डायनेमिक में जाएंगे, ये फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, कितना आया, फेस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से 200 आ रहा है। ओके, 200 जेड में 200 आ रहा है, तो हमारे को 200 मूव करना पड़ेगा। 200 मूव करने के लिए हम टॉप व्यू में रखेंगे, यहाँ से एक्सप्रम में जाएंगे, ट्रांसलेट पूरा सिलेक्ट करेंगे मॉडल को, एंड सिलेक्शन यहाँ पे वाई में हम क्या करेंगे -200 मूव, कहाँ जा रहे हैं यहाँ, तो माइनस में आएगा प्लस में आएगा। ओके, और एक बार कहाँ पे भी एक्स में क्लिक करो, वाई में क्लिक करो, जेड में क्लिक करो, किसके ऊपर एक बार क्लिक करो तो ये हमारे को प्रीव्यू दिखा देता कहाँ पे जाएगा हमारा, अभी बराबर है तो यहाँ से हम करेंगे ओके। ओके, मॉडल हमारा यहाँ पे हो गया और इसका कलर जो है चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्लियर कलर में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर कलर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल कलर आ गया। ओके, ये हमारा रेडी हो गया, वर्कर सेटिंग हो गया और कर्व भी हम क्रिएट कर दिया। अभी जाएंगे हम टूल पथ में, टूल पथ में जाएंगे, यहाँ पे टूल पथ में जाने से पहले मशीन टाइप सेलेक्ट करेंगे, मशीन टाइप मिल में जाएंगे, मिल डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा मशीन ग्रुप। नेक्स्ट हम जाएंगे टूल पथ में, टूल पथ यहाँ पे जाएंगे काउंटर, काउंटर में जाएंगे, टूल पथ में जाके काउंटर, काउंटर में हमारा मॉडल का नाम, मॉडल का नाम यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे, टी स्लॉट मॉडल है हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा चेन सिलेक्शन करने के लिए आएगा, ऑलरेडी हमारा यह चेन पे है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा डिफॉल्ट चेन में आएगा, अभी चेन सिलेक्ट है, चेन सिलेक्ट नहीं रहे तो हम चेन सिलेक्ट करना पड़ा अभी, क्योंकि हमारा पहले सिर्फ सिलेक्शन है चेन, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। अभी हम कर्व को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कर्व है, ये हमारा कर्व है तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके ये बाहर आ गया। ओके, होने के बाद यहाँ पे ओके हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया कर्व, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट हम सिलेक्शन क्या है, टूल पथ टाइप है हमारा काउंटर, नेक्स्ट टूल, टूल सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे। ओके, यहाँ पे टूल, टूल का ऊपर हम कौन सा टूल है, ये ब्लैंक है, ब्लैंक के ऊपर हम माउस रखेंगे ऐसा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट लाइब्रेरी टूल आता, क्रिएट न्यू टूल आता, और सिलेक्ट लाइब्रेरी करें तो यहाँ पे पूरा अलग अलग टूल्स आता, लेकिन हमारे को वो नहीं चाहिए तो हम करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल, क्रिएट न्यू टूल करें तो हमारे को ऑप्शन आ जाता, क्रिएट न्यू टूल में हमारा ऐसा आता। ओके, टाइप, टाइप अब आ जाता यहाँ पे, एंड मिल ऐसा है, टाइप, टाइप है तो कौन सा टाइप है हमारे को सिलेक्ट करना पड़ता, इसमें पैरामीटर आता,
टाइप में हमारे को कौन सा सिलेक्ट करना पड़ता है, हमारे को चाहिए टी स्लॉट मिल, ओके टी स्लॉट कटर चाहिए, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ये वाला सिलेक्ट करने के बाद हमारे को इसमें फिल करना पड़ता कितना डाया कितना हमारे को चाहिए, इसका फ्रूट लेंथ कितना चाहिए और इसका ओवरऑल लेंथ कितना चाहिए, सैंक डायमीटर कितना चाहिए, वो हमारे को फिल करना पड़ता। तो हमारे को डाया कितना चाहिए 25, कटर का डाया जो है इसका डाया 25 चाहिए हमारे, और इसका फ्लूट लेंथ कितना चाहिए हमारे को टी स्लॉट, उसका जो थिकनेस कितना है 10 mm है, ये 10 हम फिल करेंगे, ओके। और जो ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल लेंथ हम कितना भी लगा सकते हैं उसको प्रॉब्लम है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 30 ले लेंगे ओवरऑल लेंथ, क्योंकि हमारा 10 mm डेप्थ जाएगा 30 बस होता। और इसमें कॉर्नर रेडियस अगर चाहिए तो लगाना, नहीं तो नहीं, नन में रखना, कॉर्नर रेडियस में रखे तो ये ऑप्शन आता, फुल है तो अलग आता, नन में रखेंगे। और इसमें सैंक डायमीटर कितना चाहिए हमारे को, सैंक हम ले लेंगे 12.5 है, 12.5 भी बस होता, 25 हमारा 10 5 mm डेप्थ जाता, तो 5 5 10 हो गया प्लस 12.5 20.5 तो क्लियरेंस है हमारा। तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 मिनिमम 10 है तो 12 रखा हम, ओके ये हो गया हमारा। और ओके ये करेंगे यहाँ से, ओके हमारा टी स्लॉट कट रहा रेडी हो गया, डायट 25। और यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते कटर का नाम है, और कैप स्लॉट टी स्लॉट कटर लिखेंगे, डाया 25 25 mm टी स्लॉट कटर लिखेंगे, ओके ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा ये टूल नंबर है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट 1 आता है, हमारे को एक ही ऑपरेशन करना है तो हम 1 रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं, वो आपका मर्जी है, वो कितना भी रख सकते हैं। वो जो हेड है तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि स्पिंडल एक ही रहता है मशीन में। तो ये हमारा कितना भी चेंज कर सकते हैं, ये टूल है, और ये जो टूल लेंथ ऑफसेट है, और ये टूल नंबर है, टूल लेंथ का ऑफसेट है, ये डी का ऑफसेट है, डी वैल्यू ऐड करता हम लोग तो डी का ऑफसेट है, तो हम डिफॉल्ट ऐसे रख देंगे 1। और इसमें आएंगे फीड रेट में हम कितना रखना, टी स्लॉट कट रहे तो कम रखना पड़ता, हम मिनिमम 20 रखेंगे, और स्पिंडल फीड भी कम रखना पड़ता, स्पिंडल फीड हम रखेंगे 600, ओके। और प्लांज रेट में हम ज़्यादा लगा सकते क्योंकि बाहर में डाउन होगा, तो हम 500 लगाते, ओके यहाँ पे कमेंट कुछ भी लगा सकते टी स्लॉट कट रहा, यहाँ पे कमांड में लिख सकते हम 25 × 10 × 5 टी स्लॉट कटर ऐसा लिख सकते हम, ये हो गया। और कुछ भी ये कमांड है कुछ भी लिख सकते, कमांड जो क्या क्या लिखे तो वो आएगा इसमें टूल पर में। फील्ड रेट तो कम रखना पड़ता हमारा, ये मेटल का हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं, अगर हार्ड मेटल है तो कम रखना, और नॉर्मल अलमोनियम है तो और थोड़ा ज़्यादा रख सकते हम, 50 ऐसा रख सकते कॉलम में मेटल का हिसाब से। और होल्डर हमारे को अगर चाहिए तो यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी में जाके एक होल्डर सिलेक्ट करते हैं, ले लेंगे देखने के लिए हमारा कौन सा मेटल मशीन का कौन सा है, BT40 है, तो BT40 हम CT40 नहीं BT40 होल्डर है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे से, ओके ओके होल्डर लिस्ट आ जाएगा इसमें, इसमें ऐसा हम देख लेंगे कौन सा होल्डर, कोई भी एक अच्छा वाला होल्डर देख के ले लेंगे, ये देखने के लिए है ना हमारा, ये तो जरूरत नहीं, इतना लेंथ नहीं, छोटा वाला लेंगे, ए भी ऐसा ले लेंगे, ओके ओनली सिलेक्ट करते बस है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये हो गया हमारा, कट पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में हम रखेंगे यहाँ पे रखेंगे OR में रखेंगे, क्योंकि हमारा डी वैल्यू लगेंगे यहाँ पे, तो OR रखेंगे OR, और यहाँ पे लेफ्ट रखेंगे, और यहाँ
पे काउंटर टाइप में हम 2D रखेंगे क्योंकि हमारा 2D ऑपरेशन होता है, और बाकी ऐसे छोड़ देंगे। स्टॉक यहाँ पे स्टॉक है, जेड में अगर लगाना है तो लगा सकते हैं और 100 में लगाना है तो लगा सकते हैं। वॉल टू फ्लोर, ओके, स्टॉक लगाने के लिए स्टॉक हमारे को ज़रूरत नहीं, हम जस्ट सिंपल देखने के लिए कर रहे हैं, तो हम स्टॉक नहीं लगाएंगे। और अगर ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे स्टॉक लगाओ 0.1, 0.2, एक बार लगा के देखना, नहीं तो डी वैल्यू में स्टॉक लगाना, ओके। और डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट हम नहीं लेंगे क्योंकि हम साइड से कट करेंगे। और लीड इन लीड आउट, लीड इन लीड आउट में हम रखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर रखेंगे, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, लीड एंट्री, एंट्री है लीड इन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे एग्जिट है परपेंडिकुलर। यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 50% रखेंगे, कटर का 50%, ओके। यहाँ पे जीरो आर्क रेडियस में, जीरो यहाँ पे आर्क रेडियस में, जीरो ये हो गया। ओवरलैप कुछ ज़रूरत नहीं, ब्रेक थ्रू उसको कुछ नहीं करेंगे। मल्टीपास, मल्टीपास में हम रखेंगे एक ही कट नहीं है, हम 5mm है तो हम 1mm कट लगाएंगे। तो 1mm कट लगाने के लिए आपका मेटल का हिसाब से मल्टीपास इसका स्पेसिंग आप लोग डिसाइड करना। मैं तो अभी 1mm लगाएगा, 1mm। और नंबर ऑफ कट कितना है, 1mm नंबर ऑफ कट कितना हमारा, तो हम 5 लगाएंगे, 5mm है तो 5 लगा रहे। तो फिनिशिंग में कुछ ज़रूरत नहीं, फिनिशिंग के लिए और एक फिनिशिंग देना पड़ता है। अगर फिनिशिंग आप एक ही साथ में लगाए तो यहाँ पे 1 लगा के यहाँ पे कितना 0.1, ओके, ऐसा लगा सकते हैं। फाइनल यहाँ पे मशीन फिनिश पास, ओके, ये ऑल डेप्थ है। कीप टूल डाउन रखेंगे यहाँ पे, कीप टूल डाउन रखे तो टूल जो है हमारा ऊपर नहीं उठेगा, तो सीधा वो होने के बाद इधर आ जाएगा, ओके। टैब, टैब में कुछ नहीं लगाएंगे। लिंकिंग पैरामीटर हम लगाएंगे डेप्थ में, लिंकिंग पैरामीटर ऊपर में रखेंगे 50 50, ये टिक करेंगे क्लियरेंस ऑब्जर्विटी, इसको भी यूज क्लियरेंस ओनली ऐड दो। स्टार्ट एंड एंड ऑफ ऑपरेशन इसको हम टिक करेंगे, और रिट्रैक्ट 25 इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको निकल देंगे। और फीड प्लेन टेन एम उसको ऑब्जर्विटी पूरा ऑब्जर्विटी रखेंगे ऑब्जर्विटी, और इसको हमारा डेप्थ जो है 15mm है क्योंकि ऊपर स्टेप जो है हमारा 5mm है, और हमारा इसका जो बिट है वो 10mm है, टोटल हमारा हो गया 15mm, ओके, 15mm डेप्थ जाएगा माइनस में, बाकी हो गया और कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बस यहाँ तक हम करेंगे अभी जनरेट, ओके। हमारा ये यहाँ पे फुल पॉट आ गया, ओके। यहाँ पे आने के बाद एक बार हम सिमुलेशन करके देखेंगे, और सिमुलेशन हम ब्लॉक में नहीं कर सकते क्योंकि ये रफिंग है, रफिंग नहीं है, फिनिशिंग है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे करेंगे सिमुलेशन। बैक प्लेट सिलेक्शन ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा टूल आ गया कैसे है, इसको थोड़ा स्लो करेंगे, स्लो करके यहाँ पे प्ले करेंगे, हमारा स्लो आ जाएगा। ये ओरिजिन को आप कर देंगे, हम देखेंगे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे, ओके। ऐसा हमारा टूल चल रहा है, कैसे चल रहा है थोड़ा घुमा के देखेंगे, कैसे चल रहा है, कितना छोड़ रहे मेटल, किधर चल रहे, कैसे चल रहा है। अभी ये कितना बाहर आ रहा है ऐसा देख सकते हैं, कितना बाहर आ रहा है टूल, ये देखो, देखे तो ये देखो जॉब से बाहर आ रहा है, रिट्रैक्टर फीड जो रहता है हमारा वो भी हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कितना होना, ओके। ये दो पास, नंबर 2 पास है, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे, थर्ड पास, हो गया,
टी स्लॉट कटर करने के टाइम में स्पिंडल फीड कम रखना पड़ता है, फीड भी कम रखना पड़ता है, वो ध्यान में रख के करना पड़ता, नहीं तो कटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, वेयर आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऊपर उड़ गया। ओके, ये हो गया हमारा टी स्लॉट कटर का टूल पथ। सिंपल हमारा टूल पथ जन अभी प्रोग्राम जनरेट करने के लिए क्या करना, तो G1 है, ऑलरेडी सिलेड है, तो G1 के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ओके। अभी हम कहाँ पे प्रोग्राम कहाँ पे जनरेट होना, ये हमारा डेस्कटॉप सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ओके, हमारा टी स्लॉट मॉडल लिखा उसमें, तो सिंपल हमारा टूल पथ जनरेट हो गया। थोड़ा देर में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा टूल पथ आ गया, इसको हम सिमुलेशन करके देखेंगे। सिम को मैं इसको मिनिमाइज करेंगे, सिम को मैं, ये हमारा सिम को है तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। आ गया हमारा टूल पथ, यहाँ से सिमुलेशन बैकलाइट ऑन करेंगे। ओके, ये हमारा आ गया, अगर टूल दिखाना है तो ये दिखा सकते, नहीं तो यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। सो हाई टूल है, एक दो तीन चार पाँच छः ओके सिक्स, लास्ट में एक फिनिशिंग आता पॉइंट वन, एक दो तीन चार पाँच पॉइंट वन फिनिशिंग। ओके फ्रेंड, ये था हमारा टी स्लॉट कटर कैसा, टी स्लॉट का टूल पथ कैसे जर्न करना, ये वीडियो में था हमारा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक, देख रहा है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं कभी वीडियो डालते आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो डालते रहता हूँ कि मास्टर गेम X5 का और पावर मिल 2020 का और सिंपल जो मास्टर जो मशीन का जो 2D प्रोग्राम है वो भी डालते रहता हूँ। अभी नया नया स्टार्ट किया मास्टर गेम 2021 का, वो भी डालता हूँ और वो भी कंटिन्यू करेगा सामने आगे जाके, और भी वीडियो ऑटो कैड का डालने का है, यूनिग्राफिक्स का, सॉलिडवर्क का वो डालने का है। अभी आप लोग को एक ही चैनल में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।